नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियो आपको समझ में भी आ रही होगी और आप लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कॉल इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा आप जानते हैं, कॉल इंडिया एक इंडिया बेस्ड गवर्नमेंट की भी कंपनी है और ये कंपनी माइनिंग और प्रोडक्शन के फील्ड में काम करती है, विशेषकर कोयले। जो कोयला होता है उसकी माइनिंग और प्रोडक्शन का काम करती है। बड़ी कंपनी है, 1973 से ये कंपनी इसकी फाउंडेशन है। और फंडामेंटल की मैं बात करता हूं तो फंडामेंटल में करीब 1,38,538 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। नो डाउट कंपनी बहुत बड़ी है और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो बहुत अच्छे इसके स्टॉक ने रिटर्न्स भी दिए हैं। आने वाला समय 2023 इसके लिए कैसा रहने वाला है और जिन लोगों ने इसमें नया इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके लिए ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंटेज बढ़ने के चांसेस हैं या घटने के चांसेस हैं वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितना 14 डेज का प्रिडिक्शन है प्राइस का वो भी मैं आपको 2 वीक्स का इसमें बताऊंगा, साथ के साथ अप्रैल टू दिसंबर 2023 तक पूरा मैं साल का आपको प्राइस फोरकास्ट के साथ बताने वाला हूं। आप इतना के साथ वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसा आप जानते हैं कॉल इंडिया लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप फंडामेंटल बहुत अच्छा है। इवनली इसका एक खास बात यह भी है कि बहुत अच्छा डिविडेंड भी ये कंपनी ऑफर करती है। आप पहले से अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रेगुलर उसके डिविडेंड को आपको मिल रहा होगा। अभी करीब 10.34% के आसपास का इनका डिविडेंड ऑफर का परसेंटेज है और जो कि एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है। 52 वीक्स के लो की बात करेंगे 164.65 रुपीज रहा है। 52 वीक्स के हाई की बात करेंगे 263.40 रुपीज रहा है। अभी करंट सिंह की बात करेंगे तो करंट में अगर आप देखें तो 224.35 रुपीज पर ये मार्केट में ट्रेड अभी कर रहा था। आज हम बात कर रहे हैं 10 मार्च है 2023, तो आज वीक का लास्ट डे है और लास्ट डे में ये 224.35 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। लास्ट ईयर अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूंगा तो लास्ट ईयर अक्टूबर में आप देखेंगे तो इसका स्टॉक करीब 110 रुपए पर था, जब से ये लगातार ग्रो भी कर रहा है। अब इसका आगे का फ्यूचर क्या है तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी बात मैं आपको बताता हूं बिल्कुल बहुत ही एनालिसिस के साथ में हम वीडियो बनाते हैं, भरोसा रखिए कुछ भी गलत मैं नहीं बताता हूं। बशर्ते बात वहीं पर आकर रुकती है कि फ्री की जो एडवाइस है उसमें थोड़ा लोगों को डाउट रहता है। कुछ लोग इस तरह की प्रिडिक्शन या प्राइस को लेकर के हमेशा वो पेड कुछ इस तरह के वीडियो बनाते हैं या पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह वो लोग बेचते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया के स्टॉक के बारे में। तो एक लाइन में मैं आपको बता दूं कोल इंडिया लिमिटेड का ये जो स्टॉक है ये एक बहुत ही अच्छा यानी कि गुड लॉन्ग टर्म रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अगर आप लंबे समय यानी 1 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो आपको नो डाउट आपको कोई लॉस नहीं होगा, बहुत अच्छे इसमें प्रॉफिट्स आपको बनेंगे। शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, कम समय में भी ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। साथ के साथ बेसिक जो रीजन है इसमें लॉन्ग टर्म में ही ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और बाइंग की सलाह बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको दे भी रहे हैं कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 14 डेज का बता देता हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स में किस तरह इसका स्टॉक जाने वाला है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, तो उससे भी आपको स्थिति क्लियर होगी। साथ के साथ फिर भी अगर आपको इस स्टॉक में कभी लॉस रहा हो या किसी भी तरह की तो आप अपना लॉस कवर भी कर पाएंगे ये 2 वीक्स के आप प्रेडिक्शन सुनकर। और साथ के साथ अपने कोई नई एंट्री लेना चाहते हैं तो उस पर भी आपको मिनिमम प्राइस आपको पता चल ही जाएगा, तो अपसाइड डाउनसाइड भी मैं आपको बताता ही रहता हूँ। 13 मार्च को जैसा कि मार्केट ओपन होगा तो 13 मार्च 2023 को 228.75 रुपीज इसका मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है। हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए, मैं मिनिमम मतलब आपको प्रेडिक्शन में भी एक मैक्सिमम प्राइस मैं हमेशा शेयर करता हूँ, साथ के साथ ये कोशिश करता हूँ कि मिनिमम पे ही रखा जाए, अगर बड़ा चढ़ा करके वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं रखता हूँ। 14 मार्च को आप देखेंगे 225.95 रुपीज के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है और 15 मार्च को 228.65 रुपीज के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और 16 मार्च को 230.75 रुपीज 17 मार्च को 231.15 रुपीज एंड 20 मार्च को 232.35 रुपीज 20 मार्च को 21 मार्च को 229.55 रुपीज और 22 मार्च को 232.35 रुपीज एंड 23 मार्च को 235.10 रुपीज के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। तो ये तो रहा 2 वीक्स का प्राइस का टारगेट प्रिडिक्शन के साथ मैंने आपको दिया है। अब बात करते हैं कि डाउनसाइड 2 वीक्स के अंदर क्या रहने वाला है और अपसाइड की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। तो अपसाइड में आप देखेंगे कि करीब करीब 235 रुपीज 10 पैसे के आसपास अपसाइड रहने वाला है
और 220 रुपीज़ 90 पैसे ये डाउन साइड रहने वाला है। तो ये आपको मैंने हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल जो प्राइस की प्रिडिक्शन है 14 डेज की यानी 2 वीक्स की वो आपसे शेयर की है। अब बात करेंगे आगे की मंथ वाइज की, तो मंथ वाइज में भी आप नोट कर सकते हैं अप्रैल में, अप्रैल 2023 में ये करीब इसका जो स्टॉक है वो करीब करीब 4 to 5% अप जाने वाला है, यानी कि ग्रोथ उसमें होगी। तो अप्रैल में हम बात करेंगे 200 मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है 231 रुपीज़ 35 पैसा, मई में 244 रुपीज़ 95 पैसा, जून में 250 रुपीज़ 45 पैसे के मैक्सिमम प्राइस के साथ ये ट्रेड करेगा, जुलाई में 249 रुपीज़ 75 पैसे के साथ मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है, अगस्त में 249 रुपीज़ 15 पैसा, सेप्टेम्बर 2023 में 252 रुपीज़ 20 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा, उसके बाद अक्टूबर में 255 रुपीज़ 30 पैसा, नवंबर में आप नोट करेंगे 255 रुपीज़ और 30 पैसे, दिसंबर में 249 रुपीज़ 20 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। अब अगर आप साल का अगर देखेंगे कि इसके अंदर एक साल अगर में अगर आप इन्वेस्टमेंट नया करते हैं तो इसका अर्निंग पोटेंशियल 2023 में कैसा रहने वाला है वो उसका एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आप ऐसा समझ सकते हैं। अभी जैसे ये 224 रुपये पर ट्रेड कर रहा है 224 पर, और अभी आप कोई नई एंट्री लेते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म 1 ईयर मिनिमम, तो 1 ईयर में ये करीब करीब ऐसा करीब 17 to 18% इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल है, यानी कि 17 to 18% के आसपास ये आपके पैसे को ग्रो करने की क्षमता रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आई होगी और वीडियो आपको पसंद भी आएगी। इसी की तरह और भी वीडियो अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर आप चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे भी चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं, उस पर वीडियो बनेगी। साथ के साथ अगर स्टॉक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या आप किसी और स्टॉक में लॉस में हैं काफ़ी दिनों से अगर फंसे हुए हैं, तो भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट, मैं उनको आंसर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और साथ के साथ ये भी कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, चैनल को ज्वाइन भी करें, साथ के साथ शॉर्ट्स पे भी आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय, सलाम, ऑल द बेस्ट।